नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्रयोग कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का प्लान अपना एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग का था, लेकिन क्योंकि इस पूरे एरिया में ही कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, अभी जब उनसे बात करी नेट वालों से तो उन्होंने कहा कि सर इस पूरे एरिया में अभी दिक्कत आ रही है, तो लगभग एक घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अब वो लाइव स्ट्रीमिंग वाला हो पाएगा यूट्यूब से। तो समय को बचाने के हिसाब से कि ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना भी ना हो, बच्चों का भी ना हो, तो फिर ये मैंने रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ये फ्री अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पर सभी बच्चों के लिए, लेकिन वो जो लाइव डिस्कशन चाह रहे थे वो इस बार नहीं हुआ, कल अपन उसकी कोशिश फिर से करेंगे दूसरे टॉपिक के साथ में। तो आज मैंने जो आपका आपके लिए टॉपिक डिसाइड किया है बच्चों, वो है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, यानी कि कम्युनिटी नर्सिंग के हिसाब से मेडिसिन की हिस्ट्री से कुछ अच्छे सवाल सेलेक्ट किए हैं, और एक सवाल में आपको पांच नई चीज़ें और मिल जाएंगी, तो वो आपको आपकी तैयारी को थोड़ा सा बेटर बनाएंगी। इस उम्मीद के साथ अपन डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल जो रखा है बच्चों, कि इस तरह के सवाल आजकल आने लगे हैं कि इसमें एक तरफ तो ये ABC और दूसरी तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर दे देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि साहब मैच करो करेक्टली, यानी कि जो इस तरफ लिखा है उसका सही मैच सामने की तरफ कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखें अपन, तो यहाँ तीन साइंटिस्ट के नाम है बच्चों अलग अलग। पैटन कोफर एक साइंटिस्ट है, लुई पाश्चर इसका नाम हम सब ने सुना है, एरिस्टोटल जिसको हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं ये भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है अरस्तु। ओके, तो अब इन्होंने कौन सा थ्योरी दी है या किस चीज़ के लिए ये फेमस रहे हैं, इस बात पर इन्होंने सवाल बनाया है और सामने की तरफ ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, दूसरा है जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज, एंड तीसरा दिया है मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सी थ्योरी किसने दी है उनका अपन को मैच करना है। तो इसका मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ बच्चों, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इसमें आपके चार या पांच कॉलम भी हो सकते हैं जिनको आपस में मैच करना हो। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है आंसर करने का, पहले तो वो समझो आप, सबसे पहले आपको जिस चीज़ में 100% कॉन्फिडेंट है उसको आप सेलेक्ट करो। जैसे इनमें से तीन में से आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि मैंने लुईस पाश्चर का नाम सबसे ज़्यादा सुना है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लुई पाश्चर को आप किस चीज़ के लिए जानते हैं। तो आपको अगर मालूम है कि लुई पाश्चर इज़ फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, ये अपन ने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में पढ़ा था कि लुई पाश्चर ने जो चार पाँच काम किए थे उनमें से एक था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को देना, प्रपोज करना, तो बी में आ जाएगा आपका आंसर सेकेंड। अब ये आपको 100% श्योर है बच्चों, है ना। तो आप देखो कि बी में सेकंड कितने ऑप्शंस में दे रखा है, तो यहाँ अगर देखें तो बी में सेकंड का केवल एक ही ऑप्शन है, तो ये देखो कितनी जल्दी आपका सवाल का आंसर आ गया। जरूरी नहीं है हर बार आपको इतनी जल्दी आंसर आ जाए, आपको तीन चार मिलाने पड़ सकते हैं, लेकिन ये चांस की बात है कि केवल आपने एक 100% कन्फर्म वाला जो ऑप्शन देखा उससे आपका आंसर आ गया। लेकिन आंसर करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ए में कौन सा दिया हुआ है, थर्ड, यानी कि ए जो पैटर्न कोफर है वो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज़ के लिए, और सी में दिया हुआ है फर्स्ट, यानी एरिस्टोटल ने क्या दिया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या आपको सी और बी भी सही लग रहे हैं, ए और सी। तो अगर आपको मालूम है कि अरस्तु ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी थी तो ये और भी कन्फर्म हो गया, क्योंकि सी में फर्स्ट आना चाहिए, सी में फर्स्ट आ गए। अगर आपको ये पता था 100% कि अरस्तु ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी थी, तो आपके पास में दो ऑप्शन रह जाते, जैसे सी में फर्स्ट आप देखते ना, तो ये भी सी में फर्स्ट है बच्चों और ये भी सी में फर्स्ट है, यानी कि अब ये दो ऑप्शन हो गए, ये तो हट गए दो, ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, तो सी में फर्स्ट है ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन अब आपको ए और बी में से कोई एक तो आना चाहिए, कोई एक तो आना चाहिए। अगर पाँच पेयर अगर आपको मैच करने, तो तीन अगर आपको आते तो आपका आंसर 100% हो जाएगा। अगर आपको बाई चांस, वैसे ये ज़्यादातर बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि पैटर्न कोफर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैंने जब थ्योरी में पढ़ाया था तो मैंने बोला था इसको आप पत्ते के नाम से याद रखो, पैटर्न कोफर, तो पत्ते क्योंकि मल्टीपल होते हैं, तो इसने जो थ्योरी दी थी उसका नाम मैंने बताया था मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन। तो मल्टी फैक्टोरियल की जो थ्योरी है वो मल्टी यानी कि पत्ते जो बहुत सारे होते हैं, तो पैटर्न कोफर ने दी थी, मैंने इस तरह से आपको याद करने के लिए बोला था। अगर आपको ए में
थर्ड अगर आपको 100% पता होता, ये मैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए दे रहा हूँ कि मान लो किसी में आपको ए का तो पता है 100% कि ए में थर्ड है, तो आपके पास में दो ऑप्शन बच जाते बच्चों, ए में थर्ड अगर आपको मालूम होता ना तो आपके पास दो ऑप्शन रह जाते, ए और बी, और सी और डी को आप कैंसिल कर देते। अब आपको बी और सी में से कोई ना कोई एक का आंसर पता होना चाहिए कि लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी दी थी, तो बी में सेकेंड आ जाता। तो ये क्वेश्चन डालने का पर्पज केवल ये नहीं कि ये तीन नाम और ये तीन चीज़ें आपको बता दें, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इस तरह के आंसर्स का, क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को ऐसा नहीं कि फटाफट से 100 क्वेश्चन करा के और ख़त्म, मैं आपको बस कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ जिनसे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो अगर मैचिंग वाला कोई भी सवाल आता है तो आपको सबसे पहले, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम दिमाग में एकदम जी का जंजाल बना दिया, क्या 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 देखूं, पांच पांच दे रखे, कुछ नहीं। सबसे पहले जिस पर आपको 100% यकीन है कि आपको 100% वो चीज़ मालूम है, उस ऑप्शन को देख लो कि बी का मुझे मालूम है कि लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी, या आपको अरिस्टोटल या अरस्तु का मालूम है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी थी, तो आपको दो ऑप्शन इसमें निकल जाएंगे, दो ऑप्शन रह जाएंगे। अगर इसी में अगर आपका एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो आपको 100% पता है तो आपका आंसर हो गया, बाकी आपको नहीं भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आंसर सही होगा। ये तो तीन का ही था, पाँच पाँच के आते हैं, चार चार के आते हैं, तो आपको बस जो 100% मालूम है उनको आपको सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से एक या दो ऑप्शन हट जाएंगे, बचे हुए दो ऑप्शन में फिर एक ऐसा देखो जो आपको अच्छे से आता हो, जिस पर आपको मैक्सिमम भरोसा हो कि अरे मुझे लगभग 90% आता है, तो वो वाला आंसर आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहली बार या फर्स्ट कौन सा था, पहली बार किसने किया था। तो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट बैक्टीरियम डिस्कवर्ड एज कॉज ऑफ डिजीज वाज, यानी कि दुनिया का पहला बैक्टीरिया जिसको एक बीमारी के कारण के तौर पर खोजा गया था वो कौन सा है। अब ये मैं उन बच्चों को स्पेशली बताना चाह रहा हूं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों की जो जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं ना, उसको अप्लाई करना महंगा पड़ जाता है। क्यों महंगा पड़ जाता है? अगर इस क्वेश्चन में आपको मान लो नहीं पता, आपको इसका आंसर नहीं पता, ये तो भाई इन्फॉर्मेशन है, आपने अगर पढ़ी है आपको याद है तो आप बता सकते हो, नहीं तो कोई नहीं बता सकता, इसमें क्या दिमाग लगाओगे आप। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा टीबी बैसिलस है, लेप्रोसी है, एंथ्रेक्स बैसिलस और प्लेग है, तो यार सबसे पुरानी बात कर रहा है ना ये, तो ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से टीबी बहुत पुरानी बीमारी है। फिर आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, कुष्ठ रोग तो पुराने ज़माने में होता था, छुआछूत वाली बीमारी मानते थे और ऐसा। फिर आपको लगेगा कि प्लेग तो बहुत पहले इसने महामारी फैलाई थी, इतने लोग मारे गए थे इसकी वजह से, तो आप इन तीनों में घूमते रहोगे। लेकिन अगर आपको इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इसमें आप तुक्का लगाने से बच जाना, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। हर सवाल जो डाला है उसमें कोई ना कोई मैसेज देने के लिए कि आपको, देखो मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करूं बच्चों, मैं बताता रहता हूं, एक तो आपकी नॉलेज की साहब आपको कितनी चीज़ें आती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हो, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो ना उसमें आप कैसे रिएक्शन देते हो, कैसे कैसे डील करते हो सिचुएशन से, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था एक बार कि हथियार की तरह होती है नॉलेज, जो ज्ञान है वो हथियार की तरह है, लेकिन जो हथियार को चलाने की स्किल है वो इंडिविजुअल की वेरी करती है। हर इंडिविजुअल, आपको अगर तलवार पकड़ा दें 100 लोगों को तो वो जीतेगा जो उसको अच्छे से चलाना जानता होगा। तो नॉलेज को भी पावर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको उसको सही से इस्तेमाल करना आता हो तो इसका सही आंसर जान लो पहले। दुनिया का पहला जो बैक्टीरिया था वो था बैसिलस एंथ्रेक्स, जिसको एंथ्रेक्स बैसिलस भी बोल सकते हैं। एंथ्रेक्स का नाम अगर आज से पहले आपने नहीं सुना है तो सुन लो, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर इसका आंसर एंथ्रेक्स जा रहा है, एंथ्रेक्स को बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं लोग, यूज करते हैं एंथ्रेक्स का, है ना। तो एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्स, ये दुनिया का सबसे पुराना बैक्टीरिया है जिसको पहले खोजा गया था डिजीज के कॉज के तौर पर, कि सब हाँ ये बैक्टीरिया है वो डिजीज करता है, तो इट वॉज बैसिलस एंथ्रेक्स, या एंथ्रेक्स बैसिलाई भी बोलते हैं, एंथ्रेक्स बैसिलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो
सीधा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं आता है तो टप्पा नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। तुक्का तभी मारना है जब कम से कम आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो कि यार ये दोनों तो 100% नहीं है, मैंने पढ़ा भी है लेकिन बस इन दो में कन्फ्यूजन, उसमें आप चांस ले सकते हो। भाई अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आपको करना ही, लेकिन तब भी खूब दिमाग लगाने के बाद करना है, और नहीं आ रहा है नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जितने सही कर रहे हो उसमें से तो ये कम नहीं करेगा, ठीक है। योगा इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इट विल बी ए पार्ट ऑफ, ये पूरी तरह से लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको इसको छोड़ना नहीं है। जैसे पहले वाले में मैंने क्या बोला कि इन्फॉर्मेशन पूछी थी लेकिन आपने नहीं पढ़ी थी, आपने छोड़ दिया, आप छोड़ दो उसको, ये आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि योगा के बारे में दुनिया को, देश ने, हमने, हमारे देश ने पूरी दुनिया को योगा करना सिखाया है, उसके बारे में हमसे सवाल पूछें और हम इसको छोड़ दें, कभी नहीं, उसको हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि योगा को मॉडर्न मेडिसिन में किस तरह से, कैसे, किस तरह से इसको कंसीडर किया जाता है ना मेडिसिन में। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ये फिजियोथेरेपी है, योगा एक फिजियोथेरेपी है क्या? नहीं, योगा के अंदर एक्सरसाइज होती है, बॉडी को अपन एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी एक अलग ब्रांच है पूरी, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, जो नाम सुना है अपने, डॉक्टर होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो अलग ब्रांच है और योगा उसका पार्ट नहीं। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज अलग से होती हैं बट दिस इज नॉट योगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि बीमारी होने से पहले उसको रोकना, रोकथाम की जो कोशिश है, मुझे लग रहा है ये हो सकता है, लेकिन अपन चेक करेंगे। थेरेपेटिक मेडिसिन मतलब इलाज, थेरेपेटिक का मतलब कि बीमारी होने के बाद उसका ट्रीटमेंट, तो मेरे हिसाब से थेरेपेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि योगा के बारे में इतना तो हम जानते ही हैं कि बीमार आदमी को योगा करने के लिए मना करते हैं, बीमारी ना हो उसके लिए योगा को खूब प्रमोट करते हैं कि साहब आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए जिससे आप बीमार नहीं होंगे, डायबिटीज़ नहीं होगी, थायराइड नहीं होगी, और बाबा रामदेव ने खूब सारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा, तमाम तरह की बीमारियों के लिए बोला है कि ये इसमें बेनिफिशियल है। तो आपको बीमारी नहीं होगी, यानी कि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन में आएगी 100%। चौथा है कैलोरिक असर पर नहीं है, कोई नई चीज़ है कभी नहीं सुना, लेकिन योगा के बारे में ऐसी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती जो हमने कभी नहीं सुनी हो, तो योगा प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंडर आता है। ये आपको कॉमन सेंस या लॉजिक से ही इसका आंसर देना है, लॉजिकली यू हैव टू थिंक लॉजिकली। 10-20% सवाल ऐसे होंगे जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, सही करोगे उसको 100% अगर आपने सही जो थॉट प्रोसेस है उसको फॉलो किया, तो कोई डाउट नहीं है ये आंसर बी जाएगा। अगेन ये आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि सब आपको मालूम है क्या, तो क्वारंटाइन वॉज फर्स्ट अप्लाइड फॉर, दुनिया में पहली बार क्वारंटाइन किसके लिए, किस बीमारी में अप्लाई किया गया था ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है कि प्लेग ऐसी बीमारी थी दुनिया की सबसे पहली जिसमें हमने क्वारंटाइन को अप्लाई किया था। ये जो जिन बच्चों ने प्लेग की मेरी थ्योरी वाली क्लास ली है, कल ही मैंने शायद ये प्लेग पढ़ाया था, तो उसमें ये बात मैंने बताई थी कि क्वारंटाइन वॉज फर्स्ट अप्लाइड फॉर प्लेग। तो ये हिस्ट्री के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लेग ने जो महामारी फैलाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसको ब्लैक डेथ बोला गया था, या महामारी नाम, द ग्रेट डेथ जिसको बोला गया था, तो वो इसलिए बोला गया था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया था, बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी। तो प्लेग के पैंडेमिक के दौरान हमने क्वारंटाइन को सबसे पहले इस्तेमाल किया था, और आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो कोरोना के लिए हो रहा है, होम क्वारंटाइन कर दिया है, होम आइसोलेट कर दिया है ना, हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दिया, क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर मरीज को क्वारंटाइन रखा जा रहा है। तो आज की तारीख में तो ये सबसे ज़्यादा कोरोना के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सबसे पहले जो अप्लाई हुआ था वो हुआ था बच्चों प्लेग के लिए। तो आपको केवल याद रखना है कि हाँ साहब प्लेग के लिए, लेकिन याद रखने में आसानी होगी, आप इसको थोड़ा हिस्ट्री से जोड़ोगे, भाई इतने लोग महामारी का रूप ले लिया था, जैसे आज कोरोना महामारी बन गई है, तो क्वारंटाइन अपन उन्हीं डिजीज़ में करते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, बहुत कॉन्टाजियस हो, है ना, कम्युनिटी में स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता हो, उसके लिए हम ये क्वारंटाइन का प्रिंसिपल है वो
यूज में लेते हैं, तो प्लेग भी महामारी बनी थी, पैंडेमिक बनी थी, इसलिए इसमें सबसे पहले हमने क्वारंटाइन को इस्तेमाल किया था। तो लॉजिक आपको याद रहने में मदद करता है कि यहाँ सब प्लेग इसका आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज फॉर्म्ड इन 2014 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि साहब आयुष का जो गठन किया गया था 2014 में, उसका मकसद जो था उसमें कौन कौन से फील्ड में एजुकेशन और रिसर्च को डेवलप करने का था। तो आयुष की अगर आपको फुल फॉर्म भी मालूम होगी तो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी है ना, ये इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। एक नई इसमें जो जोड़ी गई है वो अपन हिस्ट्री वाली क्लास में थ्योरी के साथ में पढ़ाया है, याद रख लेना। सवाल पूछा जा सकता है, वो ऐप में अवेलेबल है जिन्होंने पैकेज लिया है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि अभी जो एक्स्ट्रा जो बताना चाह रहा हूँ मैं सारे बच्चों को फ्री में जो यूट्यूब के माध्यम से जितना बता सकते हैं, क्योंकि वो बाकी चीज़ें जो अपने बच्चों को बतानी थी वो बता दिए, तो ये उनके लिए भी है और ये सबके लिए है ना। तो अगर पहला ऑप्शन देखें आयुर्वेदा एंड योगा ओनली, क्योंकि आयुर्वेदा योगा है लेकिन सिर्फ यही नहीं है, यूनानी एंड नेचुरोपैथी ओनली, सिद्धा एंड होम्योपैथी ओनली, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या संदेश मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके उसमें ओनली अगर आ रहा है ना तो एक बार जरूर उस पर ध्यान देना है कि यार ओनली लिखा है कहीं सही है कि गलत है। ऐसा नहीं है कि ओनली वाला आंसर सही नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको एक बार डबल चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बस वो बता रहा हूँ तरीका कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर ओनली शब्द का इस्तेमाल किया है तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि यार एक बार क्रॉस चेक कर लूँ कि ओनली वाली बात मुझे 100% सही मालूम है या नहीं है। तो इसमें आपका ओनली बिल्कुल सही नहीं है, ये ओनली वाला एक भी सही नहीं है, क्योंकि यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी सारी जो है वो सबके रिसर्च में आयुष मंत्रालय का जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय को सौंपी गई है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान। WHO declared that smallpox has been eradicated है ना, मतलब पूरी दुनिया से इरेडिकेट जब हुआ था उसको, स्मॉल पॉक्स को डिक्लेयर किया था WHO ने मई 1980 में बच्चों, है ना। तो इसकी डेट अगर एग्जैक्ट कोई पूछना चाहे तो 8 मई 1980, मतलब 8 मई 1980 में WHO ने स्मॉल पॉक्स से इरेडिकेटेड घोषित कर दिया था ग्लोब को। तो इरेडिकेशन की डेफिनेशन जो अपन ने बार बार पढ़ी है आपको क्लियर होनी चाहिए। एलिमिनेशन की डेफिनेशन आपको बताई गई है क्या डिफरेंस होता है, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक की डेफिनेशन अपन ने बहुत बार और क्लियर कर ली है। तो ये इरेडिकेशन की, क्योंकि स्मॉल पॉक्स दुनिया की एकमात्र बीमारी है जो अभी तक इरेडिकेट हो पाई, कुछ इरेडिकेशन की कगार पर हैं, इरेडिकेट होने वाली हैं लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो याद रखना है 8 मई 1980 को जो है WHO ने डिक्लेयर कर दिया था स्मॉल पॉक्स से इरेडिकेटेड। ब्रेस्ट फीडिंग वीक इट सेलिब्रेटेड ऑन, क्योंकि हिस्ट्री है तो बच्चों अब इसमें डेटा वाले सवाल ही ज़्यादा बनते हैं, तो मैंने फिर भी जो बहुत ईजी थे उनको छोड़ा है, लेकिन कुछ तो बहुत ही ईजी हैं। तो ये आपको केवल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो होता है वो अपन ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। मैंने जो नोट्स क्विक रिविजन के लिए तैयार किए हैं उसमें सारी चीज़ों को एक साथ लिखा हुआ है, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वो एक साथ दी गई हैं, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो बच्चों। तो वो मैं लाइव क्लासेस में रखूँगा, वो बुलेट की तरह मैं एक बार जल्दी जल्दी बताऊँगा आप लोगों को, ताकि आपको दिख जाए कि यार ये चीज़ें एक साथ अपने को मिल सकती हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो आपको उसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पैकेज के थ्रू आपको वो चीज़ मिल जाएगी अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी है तो, नहीं तो मैं यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, आप उससे पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट वीक ऑफ जो अगस्त होता है ना वो हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अब ब्रेस्ट फीडिंग पर सवाल आया तो बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग का जैसे PDF वाले सर ने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तो उसको भी एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पर क्या क्या सवाल और बनते हैं। ठीक है, ब्लैक डेथ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, प्लेग को ब्लैक डेथ बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये जो है कॉलेरा उसको हमने ब्लू डेथ डिजीज बोला था, है ना।
ब्लू डेथ डिजीज कॉलेरा को बोलते हैं, और ब्लैक डेथ इज द प्लेग जिसको महामारी या द ग्रेट डेथ भी बोलते हैं, महामारी है ना। डेंगी फीवर ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ब्लैक डेथ नहीं होती है, और ब्लैक डेथ इज द प्लेग। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हिस्ट्री आपको कितनी भी बोरिंग लगे लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो नंबर पूरे मिलेंगे बच्चों, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। 8 मई 1980 को अपन ने बताया अभी स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेशन का डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। मैं अभी आपको एक साथ डेट्स बताऊंगा तो उसमें से जो जो क्वेश्चन अपने आए उनको आप छांट सकते हैं। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसको WHO मत पढ़ लेना बच्चों, ये आपको कॉमन सेंस है क्योंकि WHO पर भी सवाल पूछ सकते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो WHO पूरा कैपिटल में लिखा रहेगा। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो इसको मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो पुराने बच्चे उनको छोड़ दें, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे होंगे जिन्होंने अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा उनको लगेगा कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ पूछा है ना तो कोई ना कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, फादर है तो कोई मर्द होगा भाई, है ना। तो आपको बता दूं कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज नॉट ए पर्सन, इट इज अ डिजीज, नॉट अ पर्सन। तो ये कोई पर्सन नहीं होता, ये एक बीमारी होती है और बीमारी का नाम है बच्चों कॉलेरा। तो कॉलेरा को हमने फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोला है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज कॉलेरा, और कॉलेरा को हमने ब्लू डेथ डिजीज भी बोला था। ओ माय गॉड, ये क्या सर, इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहां भी ले आए आप, तो आप तो पीछे पड़ जाते हो MSN में। आपने नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितनी 2-3 2.5 सालों से आप इमेज बेस्ड देने लग गए थे, सबसे पहले दिए थे सबसे पहले इमेज बेस्ड, और बहुत सारे सवाल इमेज बेस्ड पूछे गए थे, है ना। तो क्या CHO में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्या उतने कभी नहीं पूछेंगे, कम पूछेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यहाँ भी होती है कम्युनिटी लेवल पर भी, लेकिन जो मुझे लगा कि ठीक है ये क्वाइट पॉपुलर हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये जो भाई साहब का जो फोटो दिख रहा है ये इतना पॉपुलर है कि इसकी फोटो आपको पहचान में आनी चाहिए, और आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एज गिवन इन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो वैज्ञानिक है उनका नाम है लुईस पाश्चर। तो सर कैसे याद रखना है भैया, आप तो ये तो याद रखना है, हल्कि क्या खूब गहरी दाढ़ी मूछे हैं, फ्रेंच कट सी है, और अंग्रेज लग रहा है शक्ल से ही, तो सारी अंग्रेजों के नाम है, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, शक्ल देख के पहचानेंगे, लुईस पाश्चर ऐसा दिखता है अगर ऐसी फोटो आपको वहाँ दे दे। सर आपने लुईस पाश्चर को क्यों सेलेक्ट किया, भाई मुझे लगा कि ये ज़्यादा फेमस है पॉपुलर है तो ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिटी नर्सिंग ऑफिसर जो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो आप बनने जा रहे हो उसमें कम्युनिटी से जुड़े हुए बहुत पॉपुलर जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनमें से दो ही लिए मैंने, दो ही है ना। तो उनमें से पहला है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर को थोड़ी देर पहले पढ़ा था पर ने जर्म थ्योरी दी थी इसने, वो जो जिसमें जोड़े बनाए थे ना मैच करने वाला, जर्म थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी। वैक्सीन टर्म सबसे पहले इसी ने बनाया था, वैक्सीन टर्म इसने इस्तेमाल किया था, वैक्सीनेशन टर्म जो है वो एडवर्ड जेनर ने। ये एक साथ आपको पता होना चाहिए, साथ में कंपैरिजन करना चाहिए, वैक्सीनेशन टर्म जो दिया था वो जेनर ने दिया था, और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो दुनिया का पहला वैक्सीन था वो भी एडवर्ड जेनर ने बनाया था, है ना, स्मॉल पॉक्स। और पाश्चर ने पाश्चराइजेशन बताया, पाश्चराइजेशन जिसको आप कहते हो ना, दूध को गर्म करते हैं उबालते हैं इतने टेम्परेचर पर इतने प्रेशर पर इतनी देर के लिए, वो पाश्चराइजेशन मेथड किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था। और भी बहुत सारे काम हैं, इसने चिकन कॉलेरा को और रेबीज का बहुत स्टडी की थी और वैक्सीनेशन भी बनाए थे उनके। तो इसने कौन सी बीमारियाँ, रेबीज जो कुत्ते के काटने से होती हैं, लुईस पाश्चर ने उस पर बहुत काम किया, है ना, रेबीज और चिकन कोलेरा नाम की भी एक बीमारी है, ये बैक्टीरियल है लेकिन इस पर भी इसने काफ़ी स्टडी की है, और पाश्चराइजेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरह के जो फेमस फेमस बहुत सारे काम है वो लुईस पाश्चर ने किए हैं, तो आपको फोटो से लुईस पाश्चर का पूछा जा सकता है, ये मेरा अपना आकलन है, ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन अगर मेरे को मान लो कोई दो साइंटिस्ट बताने होंगे तो मुझे जो सबसे सही लगे वो दो साइंटिस्ट की फ़ोटो मैंने ली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओके,
अगेन एक और फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा फेमस, आइडेंटिफाई द पब्लिक हेल्थ फिगर एज गिवन इन फोटोग्राफ। तो एक हिंट तो थोड़ा सा मिला कि यार ये पब्लिक हेल्थ फिगर है, मतलब एक तो होता है कि साइंटिस्ट जिसने बहुत सारी रिसर्च की, एक पब्लिक हेल्थ फिगर का मतलब जिसने कम्युनिटी के फील्ड में काम किया हो। इससे आपको हिंट जो मिल रहा है ना पब्लिक हेल्थ फिगर से, ये हिंट मिल रहा है कि इस ऐसा बंदा जिसने कम्युनिटी लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो मेरे को अगर नहीं भी पता है ना कि इसका आंसर क्या है, और अगर मुझे तुक्का मारना होगा तो देखो मैं क्या तुक्का मारूंगा। हरगोविंद खुराना जी एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट रहे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी एक साइंटिस्ट रहा है। जोसेफ भोर, अरे भोर ये कहाँ सुना है अपन ने, भोर कमेटी, अच्छा ये भोर कमेटी वाले हैं, अच्छा 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 भोर कमेटी तो यार कम्युनिटी वाली चीज़ हो गई ना, कि भाई भोर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, अलग अलग कमेटी बनी थी कि सब CSE PSE का गठन कैसे हो, और उसमें चार पांच पॉइंट हर एक कमेटी में इम्पोर्टेंट होते हैं। हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट पुराना फिलोसोफर था, बहुत पुराना, जिसने ठीक है कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा नाम हिप्पोक्रेट का नहीं आता है। तो अगर मुझे इनमें से तुक्का मारना हुआ, तुक्का मारना है साफ, नहीं पता सा, पहली बार फोटो देखी है और कुछ पता नहीं है किसकी है, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है कि पब्लिक हेल्थ फिगर का मतलब कम्युनिटी पे जिसने ज़्यादा काम किया है उसका फोटो दिया हुआ है, तो मैं आंसर कर दूंगा जोसेफ भोर, जो कि 100% सही आंसर है। कैसे मालूम है? क्योंकि फोटो भोर की है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ आपको नहीं भी पता है तब भी अगर आप इसको तुक्का मारते हो, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब तुक्का नहीं मारना है, जब आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा। जैसे शुरू में मैंने कोई क्वेश्चन दिखाया था जिसमें एंथ्रेक्स आंसर था कि पहला बैक्टीरिया जिसको डिजीज़ के कॉज के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था वो कौन सा था, TB, लेप्रोसी, प्लेग और ये जो एंथ्रेक्स, तो उसमें आंसर एंथ्रेक्स था। क्यों एंथ्रेक्स था? क्योंकि वो बैसिलस एंथ्रेक्स वाज द फर्स्ट बैक्टीरिया। तो उसमें अगर आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो आप आंसर मत करो। यहाँ कोई क्लू मिल रहा है क्या? हाँ, एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया कि उसने बोला पब्लिक हेल्थ फिगर, तो जिसने कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, ऐसे का अपन तुक्का मारेंगे तो आप 100% सही हो सकता है। तो क्या सर तुक्के मार के ही कामयाब बना जा सकता है? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। ये एक क्वेश्चन में अगर आपका थोड़ा सा लॉजिक बैठ भी गया ना, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और सिर्फ तुक्के से आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन में आपको नॉलेज के साथ साथ में एग्ज़ाम देने की जो आर्ट है, कला है, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो वो कला ये कहती है कि आपको अगर कोई क्लू मिल रहा है तो आप उस क्लू के आधार पर अगर आंसर कर पा रहे हो, भाई तीन को आपने एक्सक्लूड कर दिया, अगर इसमें चारों ही ऑप्शन चार कमेटी वालों के होते ना, श्रीवास्तव और फलानी कमेटी और ये कमेटी, तो आपको फिर आंसर नहीं करना था। लेकिन इसमें आपने आसानी से ढूंढ लिया कि यार जोसेफ भोर जो है ना, उसने भोरे ने पब्लिक हेल्थ फिगर है, कम्युनिटी के लिए इसने कमेटी बनाई थी, भोर कमेटी की रिकमेंडेशन थी, और बाकी तीन केवल फेमस साइंटिस्ट हैं लेकिन कम्युनिटी के लिए उनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ये मैंने बच्चों हिस्ट्री में से जो बहुत ही मतलब इजी कह सकते हो, लेकिन हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको एक तरीका डेवलप करना होगा कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे करें। कभी कभी आप नए सवाल का, जिसका आपका जो आपने पहले नहीं पढ़ा उसका भी सही जवाब दे सकते हो, जैसे ये भोर कमेटी वाले का, जोसेफ भोर का आपने बता दिया। कभी कभी आप कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो कि भाई प्लेग का जो अपन ने फर्स्ट क्वारंटाइन वाला जो क्वेश्चन देखा था, सबसे पहले क्वारंटाइन किसको किया गया था। तो लॉजिकली आपको सोचना है, भले ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम है, इसमें भी लॉजिक काम करता है और आपको लॉजिकली सोचना होगा। अब मैं आपको आज तो केवल ये बताऊंगा मोटा मोटा कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि सारी चीज़ें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो वो अपने को पढ़ने में और समझने में आसानी होती है, क्योंकि अपन उसको कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर तो ये प्रोग्राम थे, एजेंसीज थे, जैसे ये एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ का एक साथ दिया गया कि कौन कौन से फाउंडेशन हैं और कौन कौन सी संस्था हैं और उनको कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो 1946 में बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, जो भोर कमेटी थी ना वो भी 1946 में ही हुई थी।
बोर कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी वो 1946 में ही दी थी, वो मुझे याद आ गया, तो मुझे 46 देख करके मैंने कहा आपको बता दूँ, है ना। तो ये आप एक साथ यहाँ पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे आपको मान लो इनक्यूबेशन पीरियड में बार बार कह रहा था कि आप एक साथ पढ़ो एक साथ पढ़ो, तो ये सारे इनक्यूबेशन पीरियड आप एक साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे इम्पोर्टेंट डेज जो आते हैं कम्युनिटी के लिए कि सब फलाना जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो एंटी लेप्रसी डे 30 जनवरी, तो एक सीक्वेंस से कि भाई इस दिन ये वाला डे आता है, डॉक्टर्स डे कब आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, रेड क्रॉस डे, मलेरिया डे, टीबी, नो टोबैको डे 31 मार्च को होता है ना, और वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर क्वेश्चन दिया ही था। तो अपन ने जो क्वेश्चन दिया था उसमें देखो एक तो ये वाली थी वर्ल्ड, सॉरी 7 अप्रैल वाला वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, एक अपन ने वो फर्स्ट वीक वाला दिया था कि वो जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला है वो वीक के लिए दिया था, है ना, और वर्ल्ड एड्स डे है वो 1 दिसंबर को होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 3 दिसंबर को है जो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो अभी तो मैं आपको केवल मोटा मोटा एक आइडिया देता हूँ आपको, जैसे ये एक साथ मिल जाएंगे, फिर आपको क्या एक साथ मिल जाएगा, जैसे जो कम्युनिटी में कम्युनिटी नर्सिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, आप कहोगे सर ये तो MSN में होता था इंस्ट्रूमेंट, तो ICU के इमरजेंसी के वो अलग होते थे, यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जो आपके बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, जैसे ILR जो है कोल्ड चेन को मेंटेन करने में, है ना, डायल थर्मामीटर, इसका फोटो दे करके भी पूछ सकते हैं, है ना, इमेज बेस्ड भी पूछ सकते हैं। डायल थर्मामीटर कुछ नहीं है, जैसे घड़ी का डायल होता है ना, जैसे मैंने आपको एक वो बैरोमीटर दिखाया था जिसमें अपन जो साइकिल और कार का जो प्रेशर चेक करते हैं ना हवा का टायर का, वैसा ही एक डायल होता है, उसमें टेम्परेचर लिखा रहता है, वो डायल थर्मामीटर है ना। और इनमें से देखो हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आता है, कैटा थर्मामीटर ये कूलिंग पावर ऑफ एयर एंड एयर वेलोसिटी को आता है, साल्टर्स स्केल फील्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर LBW लो बर्थ वेट, शाकिर्स टेप है ना मिड आर्म सर्कमफेरेंस के लिए, तो इस तरह के जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो वो अपन ने एक साथ इसमें ले लिए। उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी मैंने इसलिए एक साथ पढ़ा दिया ताकि ये आपको कन्फ्यूजन इसमें से नहीं रहेगी साहब इसमें कौन सा किस में होता था, तो आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जानते हो कि साहब हेपेटाइटिस ए एंड ई जो है ना वो फीको ओरली ट्रांसमिट होते हैं, मैं सिर्फ हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ, ए एंड ई। लेकिन एक बार मैंने टेस्ट सीरीज में अपनी में क्वेश्चन दिया था कि ओनली फीको ओरल ट्रांसमिशन वाला कौन सा होता है, और पहला ऑप्शन था हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, और डी ऑप्शन था हेपेटाइटिस ई ओनली। तो केवल फीको ओरल जो रूट है ना वो सिर्फ हेपेटाइटिस ई का होता है बच्चों। तो जो अपन देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए फीको ओरल होता है ये बात गलत नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस ए सिर्फ फीको ओरल होता है ये बात गलत है, ओनली फीको ओरल रूट से जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है हेपेटाइटिस ई का। तो इस तरह का सवाल अगर बनता है तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद में अपन ने क्या किया है, हेल्थ लेजिस्लेशन जो इंडिया में पास हुए मतलब लॉ या एक्ट जो बने हैं, जैसे MTP एक्ट ये रहा 1971 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो 1969 में बना था, है ना, अब इसमें दोनों का ही 21 दिन कर दिया, चाहे वो डेथ हो चाहे बर्थ हो, है ना, तो सॉरी 7 डेज का कर दिया है ना, बर्थ और डेज पहले अलग अलग था, कन्फ्यूजन रहता था उसमें, ठीक है ना। तो बाकी क्वारंटाइन एक्ट और ये कब कब पास हुए थे वो अपन ने सारे एक साथ दे दिए, ठीक है ना। नहीं, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया भी था, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं आपको बार बार पढ़ते रहनी पड़ेंगी, और जब मुझे एग्ज़ाम देना नहीं है ना तो मेरे को थोड़ा मैं ध्यान भी कम दे रहा हूँ, क्योंकि ठीक है आप सामने देख करके आराम से पढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्योंकि आपके लिए सीधा सीधा नौकरी का सवाल है, यू शुड रिमेम्बर, आपको ध्यान देना चाहिए। पहले मेरे ख्याल से किसी में 7 दिन था, एक में 21 दिन था, अब उन दोनों को मिला करके एक कर दिया, मेरे को डाउट ये है कि वो 7 दिन ही किया या 14 डेज कर दिया, अभी चेक कर लूँगा मैं अभी थोड़ी देर में, है ना, रजिस्ट्रेशन वाला। तो इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स कब लॉन्च हुए थे वो अपन एक साथ देख लेंगे, है ना। और इसके अलावा मैं यहाँ आना चाह रहा था क्विक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना है वो मैं एक बार बता दूँ,
ये अपन ने वेक्टर एंड उनके जो ट्रांसमिट करने वाली डिजीज़ हैं वो कौन-कौन सी डिजीज़ है, वो किससे ट्रांसमिट होती है। जैसे एनोफिली से अपन जानते हैं मलेरिया होता है, लेकिन उससे फाइलेरिया भी होता है ना, मादा एनोफिली से। क्यूलेक्स, और ये दो तीन मच्छरों का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूलेक्स से क्या होता है और फलाने से क्या होता है ना। एडीज जो डेंगी फैलाता है, एडीज जो है वो ज़्यादा डेंगी के लिए फेमस है, लेकिन ये चिकनगुनिया भी करता है, येलो फीवर भी करता है ना। तो एडीज का मतलब डेंगी है ना, तो डेंगी के अलावा और भी बीमारियाँ ये करता है। अब अपन जो 5-7 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं किसके, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के, वो क्विक रिव्यू एक बार देख लेते हैं। उसके बाद अपन आज की क्लास को अपन इति सिद्धम कर देंगे, लेकिन हाँ बाद में अपन कल जो टॉपिक रखेंगे उसका क्विक रिव्यू के लिए भी अपन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे कि आपको आपके साथ में डिस्कस करने लायक है वो अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, राइट। चलिए, तो सॉरी इसको हिलाना नहीं है मुझे। फर्स्ट कंट्री जिसने सोशलाइजेशन ऑफ मेडिसिन को लागू किया कम्प्लीटली वो रशिया थी। यू हैव टू रिमेंबर, रशिया इज दी फर्स्ट कंट्री। जो मैं वैसे अपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ चुका हूँ बच्चों से ऑफलाइन के टाइम पर, कि फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज मेडिसिन कम्प्लीटली वाज रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। आपको एक इमेज बनानी होगी कि हाँ साहब रशियन जो सरकार है, रशियन गवर्नमेंट है, उसने सबसे पहले फ्री मेडिसिन देने का ये कॉन्सेप्ट चालू किया था। जो मार्क कोस्का है, साइंटिस्ट का नाम है, उसने ऑटो डिसेबल सिरिंज K1 का आविष्कार किया था या खोज की थी। किसने? मार्क कोस्का। ये आपके लिए नया है, तो पहले आप बाकी सबको याद कर लो तब अपन इसको ध्यान देना, लेकिन हाँ फिर भी कोस्का K1 ऑटो डिसेबल सिरिंज, कैसे के आप याद रख सकते हो। ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी, है ना। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल किसने दिया था? रोनाल्ड रॉस। इसके नाम के आगे भी सर की उपाधि लगी हुई है, तो हम पढ़ते थे जनरल नॉलेज के टाइम से कि सर रोनाल्ड रॉस ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम खोजा था, लेकिन प्लाज्मोडियम की खोज लेवरॉन ने की थी। लेवरॉन, चार्ल्स लेवरॉन बोलते हैं, चार्ल्स है ना, ए का भी कुछ फुल फॉर्म है, जैसे अपन शॉर्ट में नहीं लिखते YS गुर्जर, योगेंद्र सिंह गुर्जर की जगह YS गुर्जर, तो उसने भी CA लेवरॉन या चार्ल्स लेवरॉन आपको ऑप्शन में आता है तो आप आंसर कर देना चार्ल्स लेवरॉन। तो लेवरॉन इज दी साइंटिस्ट जिसने प्लाज्मोडियम की खोज की थी सबसे पहले। उसके लाइफ साइकिल को सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया फैलाने में और मच्छरों में काफ़ी कुछ स्टडी किया था, तो उनका काफ़ी नाम है। वेब ऑफ कॉजेशन प्रपोज्ड बाय, वेब ऑफ कॉजेशन होता है कि जैसे एक बीमारी के जो है ना मल्टीपल या मल्टी फैक्टोरियल कॉज होते हैं, सिंगल कॉज की बजाय बहुत सारे कारणों से डिजीज होती है, तो ये जो वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी थी वो मैक मोहन एंड पुग ने दी थी। ये साइंटिस्ट ने, ये आपने कम पढ़े होंगे, लेकिन CHO के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अगर तैयारी आप कर रहे हो कि साहब ठीक है अपन कॉम्पिटिशन में थोड़ा आगे निकलना चाह रहे हैं, तो इसको याद रखो, वेब जो W है उसका उल्टा कर दोगे मैक मोहन, M जो होता है वो W का उल्टा होता है, W को अगर उल्टा कर दोगे तो ये M हो जाएगा, ऐसे है ना। तो वेब ऑफ कोजेशन वॉज प्रपोज्ड बाई मैक मोहन एंड पो। स्पॉट मैप किसकी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया था? कॉलरा के लिए। ये काफ़ी फेमस बात है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे स्टडी करने की बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से स्पॉट मैप मेथड जो था वो कॉलरा के लिए अपन ने इस्तेमाल किया था। लुई पाश्चर जिसकी हमने बात करी थी अभी, बहुत सारे, उसकी डेथ कहाँ हुई थी? फ्रांस में, है ना। तो अंग्रेज था, फ्रेंच ही था साइंटिस्ट, तो फ्रांस में उसकी डेथ हुई थी 1922-1995, लगभग 73 साल की उम्र में, है ना। एडवर्ड जेनर भी एक एपिडेमियोलॉजी में फेमस साइंटिस्ट है, उसकी डेथ 1823 में हुई थी। इनमें से जितनी चीज़ें आपको याद रह जाएं वो कोशिश करना है। सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत ने लिखी थी वो ट्रांसलेटेड की गई थी हैसलर के द्वारा, तो हैसलर वाज दी साइंटिस्ट जिसने सुश्रुत संहिता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है? मेसोपोटामिया को बोला जाता है, मेसोपोटामिया। अब पहले हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ते थे ना तब इनके नाम सुनते थे, मेसोपोटामिया है ना। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन
किसके बोला जाता है मेसोपोटामिया। आप इसको जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन समझ सकते हो, इनमें बहुत से क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के लगेंगे आपको, लेकिन ये वास्तव में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है। जेम्स लिंड ने क्या डिस्कवरी की थी, उसने कहा था कि खट्टे फलों को खाने से स्कर्वी रुक जाती है ना, तो जेम्स लिंड इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी है ना। साइट्रस फ्रूट्स अगर आप खाते हो तो स्कर्वी को प्रिवेंट कर सकते हो, उन लोगों में स्कर्वी नहीं होती है जो साइट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये सबसे पहले बताया था जेम्स लिंड ने। ठीक है, ये पहले आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कॉलेरा को बोलते हैं, ये दोनों चीज़ हम अच्छे से जान चुके हैं। फ्री मेडिकल केयर बाई गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड स्टेट मेडिसिन। स्टेट मेडिसिन का मतलब होता है कि सरकार फ्री दे रही है आपको, है ना। जो मेडिसिन में सम्मान दिए गए ऑनर्स इन मेडिसिन हिस्ट्री की, उनको देख रहे हैं। फादर ऑफ मेडिसिन, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है बच्चों आपको बहुत अच्छे से, फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट, मतलब मेडिसिन के पितामह कौन है, हिप्पोक्रेट है, और इसी को फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ये नहीं है, है ना। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट इज एडवर्ड जेनर, ना कि हिप्पोक्रेट्स। तो आपको या जॉन स्नो होगा फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, लेकिन आपको याद ये रखना है, मैंने उसमें हिस्ट्री वाली क्लास में आपको अच्छे से बताई है ये बात, फादर ऑफ मेडिसिन की अगर बात करते हैं अनडाउटेडली इट इज हिप्पोक्रेट्स, एंड हु वाज द फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, मतलब हिप्पोक्रेट सबसे पुराना एपिडेमियोलॉजिस्ट है, लेकिन ही इज नॉट ए फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट। आई थिंक ये जॉन स्नो इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये भी मैं चेक करूँगा, लेकिन मुझे 99% इट इज जॉन स्नो, है ना। अच्छा, पब्लिक हेल्थ आप जानती हो, मॉडर्न एनाटॉमी एंड्रयू वेसेलियस, इसका नाम आप कभी मत भूलना, क्योंकि एनाटॉमी की बात हो रही है और वेसल जैसा साउंड कर रहा है इसका नाम, है ना। एनाटॉमी में अपन नर्व आर्टरी वेन वेसल्स पढ़ते हैं ना, तो फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी का जो साइंटिस्ट है उसका नाम भी वेसेलियस करके, वेसल्स जैसा, यानी कि ये एनाटॉमी से रिलेटेड है। फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड इज इयान डोनाल्ड, फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी इज मैथ्यू ऑर्फिला, ये नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज द लुईस पाश्चर, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, जर्म थ्योरी जिन्होंने दी थी वो लुईस पाश्चर है। इंडियन सर्जरी के सुश्रुत हैं, और इंडियन मेडिसिन के, या यहाँ इंडियन मेडिसिन के अगर पूछा जाए तो चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत हैं, वो इंडियन सर्जरी और वर्ल्ड की प्लास्टिक सर्जरी के भी फादर हो माने जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी मतलब इंडिया में तो सर्जरी पूरी और वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी, या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ओवरऑल किसको बोला जाता है, तो सुश्रुत जी को बोला जाता है। ये सब अपन ने वैसे तो उस क्लास में भी पढ़े हैं जो हिस्ट्री की क्लास मैंने ली थी, लेकिन आज रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ क्वेश्चन और कुछ जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देनी थी या जो रिवाइज करने के लिए रिपीट करना ज़रूरी थी, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती हैं, इसलिए उनको रिवीजन करना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है, वो अपन ने कर दिया। तो आज अपन लाइव सेशन नहीं कर पाए हैं, आई एम सॉरी, कुछ बच्चे वेट भी कर रहे थे, मैसेज भी आए उनके, तो मैंने अभी बुला भी लिया है और वो आ गया है, जो इंटरनेट वाला है वो सही कर रहा है, चीज़ों को ठीक कर रहा है, तो आई होप कि कल ऐसा नहीं होगा, और कल अपन जो शेड्यूल बनाएंगे उस शेड्यूल टाइम में अपन चीज़ों को कर लेंगे, राइट। मतलब लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हो। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी तो जॉन स्नो ही होगा, एक और था ना वो जो रजिस्ट्रेशन वाला है, वो आई विल चेक, है ना, क्योंकि ऐसे लग रहा है दो में कहीं मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच गाइज़।